हाई एवरी वन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू अन अकेडमी नीट. वेलकम टू अन अकेडमी नीट. क्रैश कोर्स शुरू हो गया है 2021 के लिए सुबह 8 बजे से 12 बजे तक. दिस इज जस्ट अ नोटिस फॉर यू. ध्यान जरूर रखना बेटा इस बात का कि हमारा कौन सा कोर्स कब चल रहा है, ठीक है? अरे हाँ, ऑलराइट. सो मंडे टू सैटरडे मॉर्निंग 8 AM मेरी क्लास होती है 9 बजे. सुबह 9 बजे क्लास होगी आपकी क्रैश कोर्स में बॉटनी की. कल हम कर रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो आज लिविंग वर्ल्ड का सेशन हो गया है. प्लीज रेफर टू दैट. और जल्दी से आज का सेशन शुरू करते हैं. लेक्चर 3, पार्ट 3 है आज इकोसिस्टम का, ठीक है? बुला लो सबको, बुला लो सबको फटाफट. कॉल एवरीबडी क्विकली. ये संजीवनी बैच, इसके बारे में थोड़ा बात करना था बेटा. कल से ना 5 बजे, फ्रॉम टुमारो, दैट इज 15th of July, हम लोग सेल स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, दिस इज फॉर 11th क्लास. 11th क्लास का टॉपिक है ये. तो जितने बच्चों को पता है गुड, जिनको नहीं पता है प्लीज इन्फॉर्म. अगर सब्सक्रिप्शन लेना है तो जल्दी से आज उसको फाइनलाइज करो, या कल 5 बजे से पहले पहले फाइनलाइज कर दो, ठीक है? मेक श्योर दैट यू आर देयर. कूल, चलिए लेट्स गो. अब देखो बेटा, जो बच्चे बिल्कुल नए हैं, आई एम कोमल यादव एंड आई बी टेकिंग योर बॉटनी सेशंस ऑन अन अकेडमी नीट और अन अकेडमी प्लस पे प्लेटफॉर्म पे. हम 5 बजे मिलते हैं, ठीक है? तो जो सेशन होगा वो 1.5 घंटे का होगा 11th क्लास के लिए. वी विल बी डूइंग दिस पर्टिकुलर चैप्टर कम्प्लीटली इन डिटेल्स, ओके? 2022 के लिए हम लोग, यहाँ पे PDF मिल जाएगा बेटा आपको सारे बैचेस का, ठीक है? चाहे आप ड्रॉपर हो, चाहे आपने ड्रॉप लिया हुआ है, चाहे आप 11th में हो, चाहे आप 12th में हो, जितने भी अन अकेडमी के चैनल पे क्लासेस होती हैं उन सब के PDF आपको इस वाले टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, ठीक है? तो डू ज्वाइन दिस ग्रुप और जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. दिस इज अ बैच फॉर 2022, ठीक? जुलाई में खत्म हो जाएगा इकोलॉजी एंड फ्रॉम ऑगस्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद 11th क्लास. क्लियर? शाबाश. चलिए बेटा जी, चलिए बच्चा, लेट्स गो, लेट्स गो. कर दें स्टार्ट? चल, ओके. तो लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ लिया है, मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ. हम इस पूरे चैप्टर में स्ट्रक्चर और फंक्शन की बात करते हैं इकोसिस्टम की. अब इकोसिस्टम में हम ऑलरेडी प्रोडक्टिविटी और डिकम्पोजिशन पढ़ चुके हैं. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एनर्जी फ्लो, ठीक? एनर्जी फ्लो, हाउ डज द एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम? अगर याद हो तो मैंने ये चीज़ पहले भी बताई है, दैट अर्थ इज एन ओपन सिस्टम फॉर एनर्जी, है ना? क्योंकि सन से आ रही है आपकी एनर्जी. सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी हियर, ठीक? उसको कैप्चर करना, उसको हार्वेस्ट करना, ये किसका काम है? प्रोड्यूसर्स का काम है. तो हमारे पास एक सेट ऑफ एनर्जी अवेलेबल है, उसको कितना ट्रैप कर पाते हैं हम, ये डिपेंड करता है हमारे प्रोड्यूसर्स पे और बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स पे. इकोसिस्टम की बात करी जाए तो इकोसिस्टम इज नथिंग बट एबायोटिक और बायोटिक का इंटरैक्शन. यही बोला था ना पहली क्लास में, क्या बोला था? कि इकोसिस्टम इज एन इंटरैक्शन बिटवीन एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स. इजंट दैट राइट? राइट. तो इतनी बात हुई थी हमारी, ठीक? अब हम बात करते हैं हमारे इकोसिस्टम की, जिसमें कि एनर्जी फ्लो हो रहा है. ये फ्लो चार्ट देखो, लुक एट दिस फ्लो चार्ट. टोटल सोलर रेडिएशन, मतलब जितनी अर्थ पे सोलर रेडिएशन पहुंचती है वो मेरा 100% है बेटा. इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, ठीक है? ज्यादातर सोलर रेडिएशन विल बी लॉस्ट, ठीक? विल बी लॉस्ट. कैसे? मोर देन 50% स्कैटर हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी वेपर्स के थ्रू, गैसेस के थ्रू. तो लॉस्ट ही है, मतलब 50% से ज़्यादा का तो लॉस ही है. सोलर रेडिएशन हमारे तक पहुँच ही नहीं पा रही. प्लांट जो हार्वेस्ट करता है दैट इज जस्ट लेस देन 50% या नियरली 50% मान लो. नियरली लेस देन 50% की जब हम बात करते हैं, ये है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस. इफ यू रिमेंबर, फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि विजिबल स्पेक्ट्रम 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में लाई करता है फॉर फोटोसिंथेसिस. विजिबल स्पेक्ट्रम थोड़ा और भी है, 380 से आप लगा सकते हो अराउंड 720 तक. फिजिक्स वगैरह में आप थोड़ा अलग पढ़ते हो, लेकिन प्लांट के लिए कहाँ से इम्पोर्टेंट शुरू होता है? 400 टू 700 नैनोमीटर, ठीक है? अब दैट इज़ वॉट इज़ अवेलेबल, लेस देन 50%.
ठीक। अब इसको हार्वेस्ट किया जाएगा सिर्फ 1-5% तक जो जीपीपी में जाएगा। जीपीपी याद है लास्ट क्लास, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, मतलब इसको यूज करके खाना बनाया जाएगा। टोटल खाना जो बनाया जा रहा है, टोटल बायोमास जो जनरेट किया जा रहा है, दैट इज जस्ट हार्वेस्टिंग 1-5% ऑफ सोलर रेडिएशन। टोटल सोलर रेडिएशन का सिर्फ 1-5, और 5 भी हम बहुत लिबरल हो गए, हमने बिल्कुल दिल से बोल दिया 5, लेकिन 1% तक आती है एनर्जी, ठीक है। तो टोटल सोलर रेडिएशन का सिर्फ 1% एनर्जी प्लांट कैप्चर कर पाता है। अब उसमें से खुद भी तो खाएगा कुछ, खुद भी तो खाएगा, रेस्पिरेटरी लॉस याद है, वो रेस्पिरेटरी लॉस हटा दोगे तो क्या आ जाएगा, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक। तो 1-5% अगर आप जीपीपी में ट्रैप कर पाते हो तो फिर आपका लॉस हुआ, लॉस हमेशा ज्यादा है। ये देखो लॉस कितना हुआ, 45-90% लॉस हो गया टोटल सोलर रेडिएशन का। अगला रेस्पिरेटरी लॉस, 0.1-1% का लॉस हो गया, तो रहा मेरे पास कितना, 0.8-4 इज व्हाट इज एक्चुअली अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, कुछ आपको थोड़ा बहुत मिलेगा खाने को, ठीक है। 0.8-4% ऑफ द टोटल सोलर रेडिएशन जो अर्थ तक पहुंची थी, एटमॉस्फेयर में एंटर करी थी, उसके बाद उसका क्या हुआ, वेस्ट 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 वेस्ट, जो बचता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी रीचेज अराउंड 0.8-4% बस, ठीक। एक तो ये आता है, फिर घुमाया जाता है इसको फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन के नाम पे, ध्यान देना बात पे। अगर मैं इसको कंसिडर ही ना करूं, थिंक ऑफ इट, आई डोंट कंसिडर इट, क्या जरूरत है कंसिडर करने की, पॉइंट ही नहीं है कुछ, जब मेरे पास आ ही नहीं रही है, जब ऊपर से सोलर रेडिएशन आया और उसी टाइम पे ये स्कैटर वगैरह हो गई, तो ये तो मेरे किसी काम की ही नहीं है। जो मेरे काम की चीज है वो ये है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन मेरे काम का है, तो लगभग जो गया वेस्ट है वेस्ट है, ये है ना पूरी चीज जो काम आनी है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन दैट आई हैव। 50% अगर मैं टोटल सोलर रेडिएशन का ले रही हूं तो PAR ये 100% है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन ये पूरी है, 100% फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, ठीक है। अब PAR का 2-10% जीपीपी में जाएगा, कितना, 100% PAR का 2-10% जीपीपी में जाएगा, और कितना लॉस हो जाएगा, अराउंड 90-98%। तो पर्पल से जो मैं लिख रही हूं वो विद रिस्पेक्ट टू PAR है, ठीक है। जैसे आपके पास मान लो घर में आते हैं 100 समोसे, ठीक है, घर में पार्टी है, 100 समोसे आए, लेकिन तुम्हारे सामने सिर्फ 10 ही रखे गए कि ये देख तेरा शेयर, तो तुम्हें 100 से क्या मतलब, तुम्हारे लिए तो तुम्हारे 10 100% है ना। अब मान लो जो तुम्हारे हिस्से के 10 आए थे उसमें से कोई आए और 2 समोसे ले जाए, सो योर लॉस इज 20% का लॉस। अब आपके पास क्या बचा, 80% ऑफ योर शेयर। इसी को मैं ब्रॉड व्यू में देखूंगी, अगर 100 में से तो तुम्हारे पास तो 80% बच, अभी बिल्कुल क्या बच रहा है, 8 ही समोसे आए, ठीक है। तो 80% नहीं आए ना तुम्हारे पास 100 का, ओवरऑल का 100 समोसे आए थे, उसका तो 8 ही आया तुम्हारे पास, 1% आया तुम्हारे पास, सैड, कोई और ले गया समोसा, ठीक है। अब लॉस, रेस्पिरेटरी लॉस कितना होगा, डबल कर दो भाई, सब कुछ डबल कर दो, 0.4-2% का लॉस हो जाएगा, और यहाँ पे ये आ जाएगा आपका डबल करने के बाद 1.6-8%, ठीक है बेटा, समझ आया यहाँ तक, ठीक है, शाबाश, बढ़िया, क्लियर। हाँ यही बात है, खाने से समझाओ तो कुछ भी समझ में आ जाता है, ओके। अब
जो जो हमारे पास दो लॉज हैं थर्मोडाइनमिक्स के, ठीक है, अब वो 0, 1, 2, 4, 1 कितने होते हैं पता नहीं तुम्हारे, 0, 1, 2, 3 होते हैं शायद, है ना। तो हम थोड़ी बात कर लेते हैं जो बेसिक दो लॉज है कि एक एनर्जी के नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी लॉस्ट, वो बस फॉर्म चेंज करती है, और दूसरा कभी भी कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी नहीं होता है। ये दो पॉइंट है ना, एनर्जी फ्लो की बात कर रहे हैं। तो हम लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स कैसे भूल सकते हैं? ठीक है, लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स कैसे भूल सकते हैं? पहला, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर लॉस्ट, चेंजेस फॉर्म्स, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाए, सिंपल। दूसरा पॉइंट, कंप्लीट एनर्जी ट्रांसफर नेवर टेक प्लेस, कंप्लीट एनर्जी ट्रांसफर नेवर टेक्स प्लेस। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने अगर जितना खाया उतना टोटल आपके पास उतना ही एनर्जी पूरा का पूरा आ गया, नहीं, देयर विल ऑलवेज बी अ लॉस। ठीक है, हीट के फॉर्म में निकल जाएगा, जैसे यहाँ रेस्पिरेटरी लॉस के फॉर्म में निकल गया। रेस्पिरेटरी लॉस क्या है? ब्रेकडाउन के लिए एनर्जी मिलेगा तुमको, तो जो एनर्जी तुम्हारे पास आता है उसमें काफ़ी हद तक लॉस भी हो जाता है। तो ये दोनों यहाँ अभी भी काम करते हैं। ठीक है, इसीलिए जब भी आप एनर्जी का फ्लो देखोगे, है ना, कभी भी एनर्जी फ्लो देखोगे, इट इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। क्या होता है? हमेशा यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, अगर किसी फूड चेन में आप देखते हो कि प्लांट को खाया हिरन ने, हिरन को खाया शेर ने, मैक्सिमम एनर्जी इज एट प्रोड्यूसर लेवल, फिर प्राइमरी कंज्यूमर के पास उससे कम, और उससे टॉप पे जाओगे तो और कम। और इसको हम क्या बोलते हैं? 10% एनर्जी लॉ, उस पर भी आती हूँ। लेकिन ओवरऑल समझो, एनर्जी का फ्लो हमेशा क्या होगा? यूनिडायरेक्शनल फ्लो होगा। क्लियर? करते हैं बेटा वो लिंक ट्री वाला एक बार पूछ के। ठीक है, चलिए, ओके। तो ये जो मेन बेसिक पॉइंट, एक और बात रखो, एक और बात ध्यान रखो कि आप देखो, वी आर ऑलवेज मूविंग टुवर्ड्स अ क्योस। जैसे मान लो अगर आपके पास कोई एक्सटर्नल ऐसे डंडा नहीं लेके खड़ा क्लास में, तो क्या करेगी आपकी क्लास? कभी शांत बैठेगी? हाँ, बढ़ 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 बढ़। ठीक है, अगर आप कोई चीज़ ग्लास तोड़ते हो तो एंट्रोपी के हिसाब से वो हमेशा टूटता है, बिखर जाता। सो केओस इज नेचुरल। चीज़ों के अगर हम कोशिश नहीं करेंगे बांधने की, या कोई एक्सटर्नल एनर्जी, एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा, तो थिंग्स आर ऑलवेज गोइंग टू गो इनटू अ केओस। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज़ है कि आपको एक एक्सटर्नल एनर्जी चाहिए टू फॉर्म थिंग्स। आप छोड़ दोगे ब्रेकडाउन, और वो एनर्जी ट्रैप करके सारे सब कुछ कुछ फॉर्म बन करने का सबसे पहला स्टेप कौन ले रहे हैं? प्लांट्स ले रहे हैं। ठीक है, द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल एंड दैट इज द प्रोड्यूसर्स। तो हाईली हाईली इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां से जो एनर्जी ट्रैप करनी है वो प्लांट ही कर सकता है, और कोई नहीं कर रहा है। ठीक है, वो सिर्फ प्लांट ही कर सकते हैं और कोई भी नहीं करेगा बेटा। क्लियर यहां तक? अच्छा, अब यहाँ पे सिंपल सा फंडा, नेक्स्ट पेज पे जा रही हूँ। लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, ये एनर्जी फ्लो की जब हम बात करते हैं, तो मैंने आपको बोला इट इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल एंड दैट इन अ फूड चेन। व्हाट इज अ फूड चेन? इट इज एन ऑर्डर और चेन ऑफ ऑर्गेनिजम्स ईटिंग और बीइंग ईटन। या तो वो कुछ खा रहा है या उसको कोई खा जा रहा है, ऐसा एक चेन है, इसे फूड चेन बोलते हैं। ठीक है, खाने और मर जाने में
दैट इज नोन एज फूड चेन. तो फूड चेन के अंदर आपकी जब एनर्जी ट्रैवल करती है तो इट इज नेवर अ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. वही बात आ गई, पूरा एनर्जी ट्रांसफर कभी भी नहीं हो सकता, कभी 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 भी नहीं हो सकता. ठीक है, चलो अब यहां से हम आगे बढ़ते. अरे भाई सही चल रहा था अभी तक तो, अब एकदम से ठीक है, कोई नहीं. तो ये जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है इसकी बात करते टाइम हमारे पास एक नाम आता है, दैट इज लिंडमैन्स टेन परसेंट एनर्जी लॉ ऑफ एनर्जी. एनर्जी ट्रांसफर, हाँ एनर्जी कैसे ट्रांसफर हो रही है बेटा, सिर्फ 10%. 90% कहाँ जा रही है? मान लो तुमने पेड़ खाया, पेड़ में से जो तुम खाते हो वो एनपीपी होता है, ये ध्यान रखना, वो जीपीपी नहीं होता, क्योंकि खा लिया ना पेड़ ने भी, खुद कंज्यूम कर लिया कुछ. ठीक है, इसने जो रखा अपने पास वो एनपीपी था, ठीक, आपने उसको खा लिया, आपने पत्ते वत्ते खाए मस्त, पालक आ गया पूरा, ठीक. उसमें से जो भी एनर्जी आपकी बॉडी कंज्यूम कर पाएगी दैट इज जस्ट द 10%, बाकी सब आइदर एक्सक्रीटेड आउट और रिलीज एज एनर्जी और सम फॉर्म ऑफ द अदर. जो आपके बायोमास में एंटर करेगी दैट इज जस्ट द 10%. आपके रेस्पिरेशन में यूज हो गई, आप वैसे खा गए, इधर हो गया, खत्म हो गया, उधर हो गया, खत्म सब. आपके पास एनर्जी कब, ठीक है. तो दिमाग में एक डाउट आता है, सबसे पहला डाउट यही आता है स्पेशली नॉन वेजिटेरियंस को कि मैम हम पेड़ खाएंगे तो हमको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी और अगर हम कोई भी एनिमल खाते हैं तो हमको एनर्जी कम मिलेगी. बिल्कुल ठीक है, एनर्जी का मतलब ये नहीं होता कि आप पूरा का पूरा किलो कैलोरीज करके खा जा रहे हो, ठीक है. यू आर टेकिंग न्यूट्रिएंट्स, यू आर टेकिंग कार्बोहाइड्रेट्स, आप फैट खा रहे हो, कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो, प्रोटीन खा रहे हो, ठीक है. डिपेंडिंग ऑन व्हाट योर बॉडी विल रिक्वायर वो उस चीज को ब्रेक डाउन करेगी, वो उसको एब्जॉर्ब करेगी, बाकी सारा एक्सक्रीटेड आउट. सिंपल फंडा, ठीक है. सो व्हेन यू आर ईटिंग डिफरेंट क्विजींस, या आप जहां पेड़ खा रहे हो, आप एनिमल्स खा रहे हो, या कुछ भी ऐसा खा रहे हो, उस टाइम पे इट इज नॉट ऑलवेज जस्ट अबाउट एनर्जी, इट्स अबाउट न्यूट्रिशन एज वेल. कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपको किसी एक तरीके के ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं, कुछ दूसरे के ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं. सो फॉर अ प्रॉपर फंक्शनिंग आप खा सकते हो. ऐसा जरूरी नहीं है कि एनिमल्स खाने आपके लिए जरूरी है, नो, यू कैन सर्वाइव ऑन अ प्लांट बेस्ड डाइट और शायद वो आगे जाके हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जितने भी एनिमल्स को यू नो डोमेस्टिकेट करने का और जितने भी ऐसे बड़े 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 लेवल पे जब हम एनिमल्स को रखते हैं तो उनको हमें फीड प्रोवाइड करना पड़ता है. It's easier that we shift to a plant-based diet, which is also very eco-friendly. क्योंकि इतने बड़े बड़े फिर वो cows को नहीं रखना पड़ेगा. आप देखोगे foreign countries में लोग beef खाते हैं, pork खाते हैं, तो वो जो उतना provide करना है उनको livestock को, क्योंकि वो ज़्यादा खा रहे हैं हमसे. पेड़ obviously they are getting more fodder, they require more plants, तो वो एक तरीके से ज़्यादा हो जाता है required. Even if the whole population is shifting to ये आपका plant based diet, ठीक है, plant based diet no doubt will be more eco friendly diet, ठीक है. अब अगर हम lower level पे बात करें, producer level पे बात करें, ठीक है, आप बात करते हो producer की, फिर आता है herbivores and then there are carnivores, ठीक है. जब आप producer level पे हो ना तो 20% of respiratory loss है, यहाँ 30% respiratory loss है और यहाँ 60% respiratory loss है, ठीक है. ये क्या percentage दे रही हूँ मैं, respiratory loss की. देखो total simple सी बात ये समझो कि अगर मान लो आपके पास एक ट्रॉफिक लेवल पे 100
जूल्स का एनर्जी है आपके पास, किलो जूल्स या जूल्स का एनर्जी है आपके पास 100, तो अगर प्लांट खाता है या प्लांट उसको एब्जॉर्ब करता है तो उसका 1% कुछ आएगा उसके पास। आपके पास एनर्जी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे 10% ही ट्रांसफर होगा, ये नहीं, लेकिन ये आपको बता रहा है कि रेस्पिरेशन में कितना जाता है। तो प्लांट्स को सर्वाइव करने में रेस्पिरेशन में सिर्फ 20% चाहिए, जो बाकी का बचा हुआ 70% है वो किसी और फॉर्म में लॉस हो रहा है या जैसे भी आपका एक्यूमुलेट हो, ठीक है। द लॉस इज डिफरेंट टाइप्स। रेस्पिरेटरी रेट यहाँ ज़्यादा होने का मतलब प्लांट खुद कितना यूज करता है, सोच के देखो GPP उसने एब्जॉर्ब किया, उसमें से रेस्पिरेटरी लॉसेस कितने, मान लो 20%, तो बाकी उसके NPP में आ रहा है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में आ रहा है, इसलिए उसका बायोमास आपको ज़्यादा जल्दी बढ़ता दिखता है, आपको हायर रेट ऑफ बायोमास दिखता है ना। वहीं पे आपको कार्निवोर्स या हायर ऑर्गेनिजम्स में अप द ट्रॉफिक लेवल आपको क्यों कम दिखता है, क्योंकि उसकी बॉडी को मेंटेन करने के लिए ही ज़्यादा खाना है, ठीक है। रेस्पिरेटरी टू मेंटेन टेम्परेचर, सबसे बड़ा पॉइंट टू मेंटेन टेम्परेचर। आप यहाँ से वहाँ से वहाँ जाते हो, आप गर्मी में से AC वाले कमरे में से निकल के इधर चले जाओ, वहाँ चले जाओ, कभी चले जाओ, योर बॉडी इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ द इंटरनल टेम्परेचर। सो उसको मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा रेस्पिरेशन में वो लगता है, एनर्जी लगती है, एंड दैट इज ऑलमोस्ट 60% रेस्पिरेटरी लॉसेस, ठीक है, यूज हो जाएगा। तो बायोमास में ऑब्वियसली नहीं आ रहा है, जनरेशन में बायोमास नहीं एक्यूमुलेट कर रहा ना, सिंपल। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि कंज्यूमर्स जो होंगे वो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में आएंगे। याद आया बेटा प्रोडक्टिविटी वाला पॉइंट। हाँ चलो मुझसे भी बात कर लो होता है, या तो, और या फिर होता है टॉक टू मी। ये मुझसे भी टॉक कर लो क्या होता है, क्या कर रहे हो, कुछ भी, तुम लोग फंडे ही उल्टे पुल्टे हो रहे हैं बेटा कुछ। चलो अब आता है बात कि हाउ डू आई मेजर थिंग्स, ठीक है। जब आप कोई भी फूड चेन या इकोसिस्टम पढ़ते हो ना, तो उसमें बेटा दो चीजें आती है, एक होता है स्टैंडिंग क्रॉप और दूसरा होता है स्टैंडिंग स्टेट। ठीक, स्टैंडिंग क्रॉप इज टोटल बायोमास ऑफ एन एरिया, पूरा का पूरा बायोमास। अब इसमें मैंने प्रोड्यूसर नहीं बोला है, देखने में लगता है क्रॉप बोलते तो ऐसा लगता है कि सिर्फ पेड़ों की बात होगी, नहीं, स्टैंडिंग क्रॉप इज टोटल बायोमास, जो अभी अभी शायद गिरा भी है पत्ते की तरह, ठीक है, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से लेके सारा ऑर्गेनिक मैटर जो ऑर्गेनिक मैटर के फॉर्म में है, दैट इज नोन एज स्टैंडिंग क्रॉप। क्रॉप से कंफ्यूज मत होना, क्रॉप का मतलब बायोमास, लिविंग ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिक मैटर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। स्टैंडिंग स्टेट आ जाता है द इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स एट अ टाइम इन एन एरिया, एक एरिया में कितने आपके पास स्टैंडिंग स्टेट, कितने आपके पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इस पे क्या चीज डिपेंड करेगी। जहां पे इनऑर्गेनिक कंपाउंड ज्यादा है वहां पे पोटेंशियल ज्यादा है टू एब्जॉर्ब इट एंड टू फॉर्म बायोमास। न्यूट्रिएंट है ना, सॉइल में न्यूट्रिएंट है भर भर के, तो यहां पर बायोमास जनरेशन की पॉसिबिलिटी है। जहां ऑलरेडी बहुत ज्यादा बायोमास है, जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जितने न्यूट्रिएंट सॉइल में थे वो सब तो ऊपर है, सब तो पेड़ बन गया, कुछ ना कुछ उस पर डिपेंडेंट है, सब तो सर्कुलेशन में है। सॉइल इतना खास न्यूट्रिएंट रिच नहीं होगा क्योंकि एवरीथिंग इज इन सर्कुलेशन, चलता जा रहा है, गोल 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 गोल, ठीक है बेटा, गेटिंग माय पॉइंट। हाँ, तो रिलेशन समझ में आया थोड़ा, स्टैंडिंग क्रॉप और स्टैंडिंग स्टेट में। क्रॉप से कंफ्यूज मत होना, क्रॉप इज नॉट अबाउट पेड़, इट इज अबाउट द होल बायोमास। ठीक,
अब आपको ये पता है कि बायोमास अगर आपको मेजर करना हो तो आप किस में करोगे, बायोमास मेजर करना है तो किस में करोगे, फ्रेश वेट की ड्राई वेट, कॉमन सेक्शन जल्दी, फ्रेश वेट की ड्राई वेट किस में करोगे, विच टाइप ऑफ वेट विल यू यूज टू मेजर अ पर्टिकुलर एरियाज बायोमास, फ्रेश वेट या ड्राई वेट। गुड, ड्राई वेट, क्यों? क्योंकि सीजनल वेरिएशन नहीं होती, ठीक है, सीजनल वेरिएशन नहीं होती। चलो आगे, अब आ जाते हैं मस्त चीज पे, टाइप्स ऑफ फूड चेन, ठीक है, वो प्रोसेस और स्टेप बाय स्टेप एक लैडर है जिसमें कोई किसी को खा रहा है और कोई किसी और को खा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ जाता है द फर्स्ट टाइप ऑफ फूड चेन, इट इज एक्चुअली वेरी सिंपल, सिंपल नेचर में, नेचर एक्चुअली हैज फूड वेब्स, ठीक है, फूड चेन एग्जिस्ट नहीं करती, बहुत ऐसे सिंपल सा एक नहीं होगा ना कि हाँ चलो इसको यही खाएगा, इसको यही खाएगा, इसको यही खाएगा, नहीं होता है, वो पूरा खिचड़ी होता है, ठीक है, जाल है वो पूरा, फूड चेन नहीं है, फूड वेब है नेचर में। लेकिन जब हम कोई भी प्रोसेस पढ़ते हैं तो हम उसको आइसोलेशन में पढ़ते हैं, जैसे आपने रेस्पिरेशन जब पढ़ा था तो ग्लाइकोलिसिस को अलग से पढ़ा, क्रेब्स साइकिल को अलग से पढ़ा, है ना, इट मेक्स इट ईजी टू अंडरस्टैंड। तो वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे भी, ग्रेजिंग फूड चेन जहाँ आप किसी को खा रहे हो, या प्रेडेटर और प्रेडेटर फूड चेन लिखा हुआ है, ग्रेजिंग फूड चेन और प्रेडेटर फूड चेन दोनों जगह बात करेंगे, टेरेस्ट्रियल में एज वेल एज एक्वेटिक इकोसिस्टम में। टेरेस्ट्रियल का तो सिंपलेस्ट, ठीक है, सबसे नीचे आएगा ग्रास, ग्रास को खाता है ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर को खाता है फ्रॉग, फ्रॉग को खाता है स्नेक, और स्नेक को खा गया मान लो ईगल, द सिंपलेस्ट एवर। प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्जरी कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर, प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्जरी कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर, ठीक है। वहीं पे एक्वेटिक के अंदर, एक्वेटिक के अंदर आपके पास आएंगे फाइटो प्लैंक्टन्स, छोटे छोटे ग्रीन कलर के माइक्रोब्स, फाइटो प्लैंक्टन्स। फिर आएगा इसको खाने वाला जू प्लैंक्टन, यूनिसेल्युलर एनिमल लाइक, जिनके पास पिगमेंट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, कुछ खाना पड़ेगा, इनको खाएंगे स्मॉल फिशेस, एंड उनको खाएंगे लार्ज फिशेस। तो एक्वेटिक में ना, इन एक्वेटिक सिस्टम ग्रेजिंग फूड चेन इज द मेन कॉन्ड्यूट और द मेजर कॉन्ड्यूट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। क्या मतलब है इस बात का? मैक्सिमम एनर्जी जो खाने पीने की है, जो किसी को खा के मिलती है, वो ग्रेजिंग फूड चेन से चल रही है, क्योंकि यहाँ पे और कोई फूड चेन कुछ खास काम करती नहीं है, पैरासिटिक वगैरह होती है, कोई और कुछ खास फूड चेन नहीं है, कुछ बड़ी फूड चेन नहीं है। और क्योंकि आपके पास पानी में थोड़ा न्यूट्रिएंट्स की भी कमी है, इसीलिए चार से ऊपर नहीं जा पाता है इसका फूड चेन ना, इतना ही रहता है, प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, टर्जरी, खत्म। तो ऑलमोस्ट फोर तक लाइक करेगा। अब ये लार्ज फिशेस या तो मर जाएंगे ओशन बेड, ठीक है, वहाँ डिकम्पोज होंगे, या फिर इनको फिश ईटिंग बर्ड्स कैन ऑल्सो ईट, बट वो फिर फूड वेब हो जाएगा बेटा, वो अलग कनेक्ट कर जाएगा, ठीक है, अलग नहीं कनेक्ट करना अभी यहीं पे, ठीक है, ओके चलो, दिस इज देयर। अब एक चीज और आप नोटिस कर सकते हो, जैसे जैसे आप दोनों ग्रेजिंग फूड चेन में ऊपर की तरफ जा रहे हो, एज यू मूविंग अप, साइज इज इंक्रीजिंग और नंबर कम हो रहा है, बहुत सारा ग्रास खाएगा ग्रास हॉपर,
थोड़ा बहुत फ्रॉग खाएगा, फ्रॉग एक या दो स्नेक खाएगा, स्नेक एक स्नेक ये खाएगा. सो एज यू गो अप द फूड चेन, द ग्रेजिंग फूड चेन इंक्रीज इंडिविजुअल, एक 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 का क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज हो जाता है और नंबर डिक्रीज हो जाता है. क्लियर? कंड्यूट मतलब ट्रांसफर, कंड्यूट मतलब ट्रांसफर, मेजर मूवमेंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, या मेन पाथवे, मेजर पाथवे प्रोसेस, मेजर पाथवे और प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ठीक है. कंड्यूट का मतलब प्रोसेस या पाथवे मान लो, ठीक है, तरीका. ओके चलिए चलिए शाबाश. अब आ जाओ आगे बेटा. दो और टाइप के फूड चेन है, एक डेट्राइटस फूड चेन है, एक पैरासिटिक फूड चेन है. डेट्राइटस फूड चेन ज्यादातर आपका एक्वेटिक में इतना होता नहीं है, टेरेस्ट्रियल में होता है. ये टेरेस्ट्रियल में ज्यादा चलता है, ठीक है. और स्टार्ट कैसे करते हैं ना, हम इसको डेट्राइटस से स्टार्ट करते हैं. डेट्राइटस इज द रॉ मटेरियल फॉर डिकम्पोजिशन. तो ब्रेकडाउन में शुरुआत है. तो जो भी मर रहा है, कहीं से भी मरा, चाहे पहला ट्रॉफिक लेवल है, चाहे पेड़ है, चाहे सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड, फोर्थ, ये ग्रेजिंग फूड चेन का कोई भी हो, ये कोई भी मरेगा, ये सारे कहाँ आएंगे, डेट्राइटस में तो आएंगे, डिकम्पोजिशन का रॉ मटेरियल. तो इसके पास बहुत एनर्जी होती है बेटा कंपेरेटिवली. इसका 10% भी मिल गया बहुत पार्टी हो जाएगी. एक होता है 10 रुपये का 10%, एक रुपया, एक होता है 10,000 करोड़ का 10%, जिंदगी बदल गया, ठीक है. सो डेट्राइटस हैज अ लॉट ऑफ एनर्जी. क्यों? क्योंकि जो मर रहा है जिस ट्रॉफिक लेवल पे मर रहा है, सब कुछ डेट्राइटस में आ रहा है. अब डेट्राइटस को ब्रेक डाउन कौन करेगा? अर्थवर्म या मेरे ज्यादा माइक्रोब्स, बैक्टीरिया वगैरह है, वो ब्रेकडाउन में चले जाएंगे, है ना. अरे यार पढ़ लो बेटा, ठीक. और आपने वही देखा है फिर, कीड़े को कौन खाएगा? इन छोटे छोटे टर्माइट्स और इन सबको कौन खाते हैं? बर्ड्स खाते हैं, ठीक है. तो इन पे बर्ड्स आ गए. और नॉर्मल छोटे बर्ड्स को कौन खाता है? बड़ा बर्ड खा जाता है, जैसे फाल्कन हो गया, बड़े बड़े बर्ड्स खा गए. टेरेस्ट्रियल में इसका बहुत इंपॉर्टेंस है. तो जैसे मेजर कॉन्ड्यूट ऑफ एनर्जी जीएफसी था एक्वाटिक के लिए, ऐसे ही टेरेस्ट्रियल में दिस इज द मेन कॉन्ड्यूट ऑफ एनर्जी, या आप कह सकते हो एनर्जी, या आप कह सकते हो मैक्सिमम एनर्जी विल ट्रैवल थ्रू डीएफसी, मैक्सिमम एनर्जी विल ट्रैवल थ्रू डीएफसी. किसमें? टेरेस्ट्रियल में, क्योंकि जो मरेगा वो डेट्राइटस बन जाएगा. तो सारे पूरा जीएफसी का पूरा कचरा एकदम से इधर आ जाता है, ये अलग ही चलता है फिर, ठीक है. थर्ड कैटेगरी पैरासिटिक फूड से. अब पैरासाइट क्या होगा? एक के ऊपर एक रह रहा है, ठीक है. तो पैरासिटिक फूड चेन में हम एग्जांपल एक ट्री का ले लेते हैं कि कैसे ट्री पे कोई पैरासाइट हो सकता है, ठीक. अच्छा वाह, कैसे ट्री पे कोई पैरासाइट हो सकता है, या ऑक्सिलरी फूड चेन भी बोलते हैं इसको. तो पहला फर्स्ट आ जाएगा आपका ट्री. एक्वेटिक में नहीं जा रहे हैं बेटा, एक्वेटिक में ये दोनों कुछ खास नहीं है, ठीक है. इतने ज़्यादा फूड चेन जैसे नहीं मिलेंगे आपको, जीएफसी ही चल रहा है वहाँ मेजरली. यहाँ ट्री के ऊपर रहने वाले हैं आपके पास हर्बीवोरस बर्ड्स, जो थोड़ा बहुत प्लांट का सैप खा रहा है, कोई कोई फ्रूट खा रहा है, कोई सीड खा रहा है, तो वो प्लांट पे डिपेंडेंट है, ठीक. उसके बाद उसको उसके ऊपर पैरासाइट के जैसे रह रहा है, क्योंकि मर नहीं रहा ना, पूरा नहीं खा जा रहा आपके पेड़ को. पूरा खा जाएगा तो ग्रेजिंग में आ जाएगा, ये बैठा हुआ है उस पर, एक ही पेड़ पे सदियों से. और इनके ऊपर रहने वाले पैरासाइट्स, इनके ऊपर रहने वाले पैरासाइट, दिस इज ऑक्सिलरी फूड चेन. अब देखो ट्री, हर्बीवोरस बर्ड्स और पैरासाइट. तो आप जब इधर से इधर गए, आप इधर जा रहे हो, तो साइज डिक्रीज होता जा रहा है और नंबर बढ़ता जा रहा है, समझे, ठीक है.
अरे भाई रितु, बड़े दिन बाद, क्या बात है। लिख लो, लिख लो जिन्होंने नहीं लिखा है। राइट, सो एज यू गो इन हायर लेवल्स ऑफ पैरासिटिक फूड चेन, आपको क्या मिलेगा? नंबर इंक्रीज होता हुआ और साइज डिक्रीज होता हुआ। ठीक है, दीज आर द थ्री मेन फॉर्म्स ऑफ फूड चेन। अब आ जाते हैं हम किस पे, थोड़े से लिमिटेशंस और फिर उसके बाद आगे के डिस्कशन पे। इकोलॉजिकल पिरामिड। अब हमने क्या करा ना, हमें सुंदर बना रहे नोट्स, तो हमने फूड चेन्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया कि चलो ये मेन बेसिस पढ़ते हैं और इनका कैसा पिरामिड बनेगा ये देखते हैं कैसा हो सकता है। तो पिरामिड्स आर अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डिजाइन टू शो द नंबर, एनर्जी एंड बायोमास इन एन इकोसिस्टम। तो तीन टाइप के पिरामिड्स बनेंगे, नंबर का, बायोमास का और एनर्जी का। ठीक, बढ़िया। सक्सीडिंग लेवल्स इन द पिरामिड रिप्रेजेंट डिपेंडेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म एट द गिवन लेवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म एट लोअर लेवल। एक लेवल का ऑर्गेनिज्म दूसरे वाले पे डिपेंडेंट है, दूसरे का उस पे कैसे फूड चेन चलती है, वैसा ही पिरामिड है। बस फूड चेन में हम एरो एरो करके दिखा रहे थे, या हम ब्लॉक्स बना बना के दिखाएंगे। और ये रहा आपका इकोलॉजिकल पिरामिड। देर आर हाउ मेनी टाइप्स? देर आर थ्री टाइप्स, ये तीन। अब ना थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ना, इसको चाहे एंड में लिख लेना, नो इश्यूज। ठीक है, मैं अभी आगे समझाऊंगी पूरा, या फिर मैं ही एंड में लिखूंगी, तुम एंड में लिखना मेरे साथ। पहले आ जाओ पिरामिड ऑफ नंबर। पिरामिड ऑफ नंबर सबसे सिंपल से शुरू होता है, इसको हम बोलते हैं अपराइट पिरामिड। तो पहला क्या हो गया? अपराइट। अपराइट नंबर की बात हो रही है, तो सिंपल ले लो ग्रासेस, ग्रासेस को खाने वाला ग्रास हॉपर, नंबर कम हो गया ना, उसको खाने वाला फ्रॉग, और नंबर कम हो गया और उसको खाने वाला स्नेक, और नंबर कम हो गया और उसको खाने वाला ईगल, और नंबर कम हो गया। तो आपका ब्रॉड जितना है वो धीरे 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 रिड्यूस होता जा रहा है। इस टाइप के इकोसिस्टम को हम कहते हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम। और इसके साथ साथ पॉन्ड में भी आपको ऐसा ही दिखेगा, एक्वेटिक पॉन्ड इकोसिस्टम। दोनों का एग्जांपल यही है। फाइटोप्लांक्टन्स का नंबर ज्यादा होगा, फिर उस पर ज़ूप्लांक्टन्स का नंबर थोड़ा कम होगा, स्मॉल फिशेस थोड़े और कम होंगे नंबर में, और लार्ज फिशेस विल बी द लीस्ट इन नंबर। ठीक है, पीछे दिखाया था पॉइंट कि जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो आपका नंबर धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, पहला पॉइंट। दूसरा ये वाला देखो, दिस इज नोन एज इनवर्टेड, इनवर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर। अब इनवर्टेड पिरामिड कैसे बनाऊ नंबर का, पैरासिटिक फूड चेन। ठीक, तो यहां पे आपके पास ट्री, एक पेड़, उस एक पेड़ पे रहते बहुत सारे हर्बीवोरस बर्ड्स। ठीक है, और उन पे रहते हैं बहुत सारे पैरासाइट्स, बहुत सारे पैरासाइट्स। तो ये कौन सा इकोसिस्टम है? ट्री इकोसिस्टम। वल्चर, वल्चर भी आ जाएगा। वल्चर्स यूजुअली स्कैवेंजर्स में आते हैं बेटा, तो वो ऐसे हंट शायद कम ही करते हैं, बट हाँ पॉसिबल। ठीक है, क्या आ गया आपके पास यहाँ? ये भी ट्री पे है ना, ट्री पे बेस्ड है पैरासिटिक फूड चेन वाला। ठीक है, और थर्ड कैटेगरी जो सिर्फ नंबर में ही मिलता है, तीन थे नंबर, बायोमास और एनर्जी, सिर्फ जो आपको नंबर में मिलेगा दैट इज दिस स्पिंडल शेप, स्पिंडल शेप ऑफ पिरामिड, जिसमें आपके पास ट्री है। ठीक है, इस पे रहते हैं आपके पास हर्बीवोरस बर्ड्स, हर्बीवोरस बर्ड्स, और इन हर्बीवोरस बर्ड्स के ऊपर कौन आ जाएगा? कोई एक खा गया, मान लो वही आपका फाल्कन आके खा गया इसको, नंबर। ठीक है, वापस रिड्यूस हो गया ना, इतने सारे बर्ड्स हैं, उनको एक एक हॉक या एक हॉक या एक फाल्कन खा रहा है। ठीक है,
सो ये जो 10 तरीके का आपका उल्टा पुल्टा हो गया इधर आ जाएगा। मिस बटरफ्लाई उड़ रहा है, बटरफ्लाई कहाँ उड़ रहा है? ठीक है, तो ये पैरासिटिक फूड चेन, दिस इज मोर ऑफ कौन सा आ जाएगा, ये पीछे वाला, हाँ ये भी पैरासिटिक, ये हंटिंग हो गया, तो इसमें भी आपका पूरा खा जाता है, प्रेडेटर ही आ जाएगा एक तरीके से। ठीक, अच्छा इन दोनों के लिए क्या नाम लोगे? ट्री पे बेस्ड है ना, ट्री पे बेस्ड है, तो ट्री इकोसिस्टम। ठीक, बना लिया, ड्रॉ कर लिया बेटा, चलूं आगे, डन, चलूं आगे। ओके नेक्स्ट, गुड। बायोमास, पिरामिड ऑफ बायोमास दो तरीके के होगा, बस बायोमास सिर्फ दो तरीके का। ठीक है, तो 3, 2 और फिर एनर्जी वाला 1। ठीक है, दिस इज पॉइंट नंबर 1, दिस इज अपराइट। अपराइट बायोमास में आपके पास आएगा एग्जाम्पल में ग्रास या ग्रासलैंड इकोसिस्टम और ट्री इकोसिस्टम भी, ट्री इकोसिस्टम भी। ठीक है, ट्री इकोसिस्टम भी इसी में आएगा, क्यों? क्योंकि एक पेड़ का बायोमास देखो विद कंपेयर टू द बर्ड्स इज वेरी लार्ज। बायोमास में आ गए ना हम, अब हम ड्राई वेट वाली पॉइंट पे आ गए, तो यहाँ पे फिर से वही ग्रेजिंग फूड चेन आ जाएगा, लेकिन आपके पास वो ट्री वाला इकोसिस्टम में भी यही अपराइट बनेगा। ग्रास ज्यादा है, ग्रासेस, ग्रास ऑपर, ग्रास ऑपर पे फ्रॉग, फ्रॉग के ऊपर स्नेक, तो जैसे जैसे आप ऊपर जा, ओए हाँ, अरे नीचे आपका ट्री है ना, ब्रॉड है, ब्रॉड बेस, प्रोड्यूसर्स विल बी मोर, जो कंज्यूम कर रहा है एक ग्रास, अगर ग्रास ऑपर अगर ग्रास भी खा रहा है तो नंबर ऑफ ग्रासेस विल बी हायर, यही रहेगा। ठीक है, तो हमारे पास कौन सा आ गया बेटा? टेरेस्ट्रियल वाला इकोसिस्टम में आ गया ग्रासलैंड और ट्री। पॉन्ड में आता है प्रॉब्लम, पॉन्ड में आता है प्रॉब्लम, ये दूसरा। ठीक है, दिस इज इन्वर्टेड, इन्वर्टेड में हमारे पास एग्जाम्पल आता है ऑफ पॉन्ड इकोसिस्टम। हाँ, ये क्या कहता है, नीचे बायोमास देखो अगर, तो ये वाला जो लेवल है ना, इसमें आपके आ रहे हैं बेटा फाइटोप्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन्स, और उनका बायोमास कम रहता है कंपेयर टू जूप्लैंक्टन्स एंड कंपेयर टू फिशेस। तो इन्वर्ट हो गया, ये जिंदा कैसे है, ये चल कैसे रहा है? बायोमास अगर कम है तो, मास कम है, लिविंग मैटर कम है, बायोमास का अमाउंट अगर वे करोगे तो बहुत हल्का है ये कंपैरेटिवली। ठीक है, क्यों चल पाता है आपका पॉन्ड इकोसिस्टम बेस्ड ऑन एन इन्वर्टेड वन? क्योंकि एक रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी इसकी बहुत हाई है, हाई रिप्रोडक्शन, जिसकी वजह से इसका नंबर बेटा हाई रहता है, बायोमास नहीं है ज्यादा उसमें। ठीक है, एक्यूमुलेट इतना नहीं कर, नंबर बढ़ जाता है फटाफट, रिप्रोडक्शन में लगा देता है वो नंबर। ठीक है, अपना जितना भी एनर्जी था वो फट 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 डिवाइड करने में लगा दिया। तो पॉन्ड इकोसिस्टम भले ही इन्वर्टेड है, सर्वाइव इसलिए कर पा रहा है क्योंकि द रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स इज मच हायर। तो जितनी देर में एक जूप्लैंक्टन 10 को खाएगा उतनी देर में 100 हो जाएंगे वो, हेंस इट सर्वाइव्स। ठीक है, हेंस इट सर्वाइव्स। समझे मत, चल लास्ट आ जाता है, दिस इज बायोमास डन, लास्ट आ जाता है हमारे पास एनर्जी ऑफ पिरामिड एंड इट विल ऑलवेज 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 बी अपराइट। ये एक कुछ जगहें हैं जहां पे आप ऑलवेज शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो बायो में। ठीक है, दिस इज वन प्लेस, ऑलवेज अपराइट, एनर्जी हमेशा नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे कम ही जाएगी। ठीक है,
जैसे एनसीईआरटी में शायद यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि सनलाइट जो है, डेटा एक बार देख लेना, सनलाइट जो है वो 10 लाख जूल्स तक की आपको मिल रही है, ठीक है। तो इसका सिर्फ 1%, ये ध्यान रखो, सनलाइट का सिर्फ 1% प्राइमरी प्रोड्यूसर के पास जाता है बेटा, ओनली 1% ऑफ इट, ठीक है। तो 1% कितना होगा, 10,000 जूल्स। अब 10% एनर्जी ट्रांसफर, तो इसका 10% 1,000, इसका 10% 100 और इसका 10% 10। सो एज यू गो अप द ट्रॉफिक लेवल फ्रॉम प्राइमरी प्रोड्यूसर टू प्राइमरी कंज्यूमर टू सेकेंडरी कंज्यूमर टू टर्शियरी कंज्यूमर, एनर्जी धीरे 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 रिड्यूस होती रहेगी। इसलिए ज़्यादा बड़े पिरामिड्स नहीं बनते, 2, 4 से 5 ट्रॉफिक लेवल मैक्स, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करता, बिकॉज देर इज़ वेरी लेस एनर्जी टू गो इन टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। सस्टेन ही नहीं कर पाएगा बेटा वो, ठीक है। 1% याद आया पीछे वो जीपीपी वाला पॉइंट, ये एनर्जी फ्लो वाला पॉइंट, कितना ट्रैप होगा, कितना ट्रैप होगा, 1-5%, 1 लेके चल रहे हम जीपीपी में, उसमें से उसने भी तो कुछ खाया होगा जो उसके एनपीपी में गया, ठीक। एनर्जी पिरामिड्स, लेकिन क्या ये कंप्लीटली सही है, ये ठीक है, एनर्जी वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप देखो हमारे बेसिस बड़ा गलत है। What are the limitations? ये बना दिया हमने बड़ी खुशी खुशी में, लेकिन ये इतने ठीक भी नहीं है यार। अगर पूरे नेचर के हिसाब से देखूँ तो बहुत सारे इसमें ड्रॉबैक्स हैं, जिसमें से 3 मेन बड़े ड्रॉबैक्स ही आ जाते हैं। सबसे पहला ड्रॉबैक, द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट, एक ही ऑर्गेनिज्म एक से ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल पे हो सकता है। अब अगर मैं घास खा रही हूँ, ठीक है, इफ़ यू आर ईटिंग व्हीट राइस तो आप हर्बीवोर हो, ठीक है। वहीं पे आप चिकन खाते हो तो आप ऊपर आ जाते हो, कार्निवोर में आ जाते हो। तो सेम ऑर्गेनिज्म कैन टेक डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स, वो तो कंसिडर ही नहीं किया, वो तो कंसिडर ही नहीं किया। एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल पे अवेलेबिलिटी किसी ऑर्गेनिज्म की। दूसरा पॉइंट जो गड़बड़ कर गए, द सेकेंड पॉइंट, हमने सिंपल फूड चेन मान ली, जबकि नेचर में क्या एग्जिस्ट करता है, फूड वेब एग्जिस्ट करता है, ये कौन मानेगा भाई। और जब एबायोटिक फैक्टर्स पढ़े थे तो लाइट, टेम्परेचर, विंड, ह्यूमिडिटी, ये सब पढ़ा था, वाटर। जब हमने बायोटिक पढ़े थे तो हमने बोला था कि प्रोड्यूसर होते हैं, कंज्यूमर होते हैं और डीकम्पोजर्स होते हैं। पीछे तीनों पिरामिड जो मैंने आपको बना के दिए, एनर्जी ले लो, एनर्जी वाला तो चलो इज यूनिवर्सल, इट विल वर्क, नॉट एन इशू, बट बायोमास और नंबर वाले में कहीं पे भी हम शुरू ही नहीं कर रहे हैं डीकम्पोजर्स से। डेट्राइटस फूड चेन की बातें नहीं हो रही है, डीकम्पोजर्स जो कि एक तिहाई हिस्सा है बायोटिक कंपोनेंट का, उनको तो कोई वेटेज ही नहीं दे रहा। सैप्रोब्स, डीकम्पोजर्स, ये कहाँ है माइक्रोब्स, इनके लिए कोई पिरामिड नहीं आ रहा। तो इसीलिए दीज थ्री आर द ब्रॉड 3 मेजर ड्रॉबैक्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स। क्वेश्चन आ जाए तो डिफाइन करो, तीनों टाइप बनाओ और फिर ये लिख दो। मैं इस पे लास्ट में क्यों आना चाहती थी फॉर रिविजन इज दिस बिकॉज बेटा यहाँ पे अब आप लिख सकते हो, पिरामिड ऑफ नंबर 3 तरीके का होता है, अपराइट, इन्वर्टेड एंड स्पिंडल शेप। बायोमास वाला 2 टाइप का होता है, अपराइट एंड इन्वर्टेड, और एनर्जी वाला होता है ऑलवेज अपराइट। याद रहेगा अभी, याद रहेगा अभी, ठीक है। तो बस टू समराइज द होल थिंग, दिस इज वेयर वी एंड द सेशन, ठीक है। बम्पर ऑफर चल रहा है, कल तक ही वैलिड है, परसों तक, और कल मेरा प्लस कोर्स दोबारा 11th का शुरू कर रही हूँ मैं, सेल चैप्टर फ्रॉम फर्स्ट क्लास विल स्टार्ट, और 12th का ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन स्टार्ट हो जाएगा कुछ ही दिनों में, ठीक है। सो इफ यू वांट द सब्सक्रिप्शन गो हेड फॉर दिस बिफोर 12th, बिफोर 16th, ठीक है। कोल
नए नए बैचेस आए हुए हैं बहुत सारे, न्यू बैचेस आर स्टार्टिंग फॉर 22-23। प्रोडिजी पहले भी बात करी है, अलग से शॉर्ट्स भी भेजा था। डेट इज 4th and 14th and 15th of August। शिफ्ट किया है इसकी डेट को, ठीक है, तो ये जरूर देख लेना। दिस इज द प्लानर, दिस इज इम्पॉर्टेंट। आपकी जो भी डेट है उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, क्लिक करो, कोमल लाइव कोड लगाओ और सब्सक्रिप्शन फटाफट से इसको, सब्सक्रिप्शन नहीं है, फटाफट से इसको फाइनलाइज कर दो, ठीक है, कि उस दिन आपका मिस ना हो। और छुट्टी तो होगी 15 अगस्त। टॉप 2 जो आएंगे उनका फर्स्ट ईयर का कॉलेज का फीस भी जाएगा इससे, तो ये भूलना नहीं यार, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं और इतने सारे प्राइजेस हैं 2B1, तो कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। टॉप 100 में भी आ गए तो क्या प्रॉब्लम है, देखो कितना चीज़ें मिल रही है, ठीक है। लेकिन टारगेट करना कि टॉप के लिए, ठीक है, टॉप के लिए टारगेट। और दूसरा सेकेंड थिंग, प्रैक्टिस, और कुछ नहीं मिला तो प्रैक्टिस मिलेगा, सिंपल, ठीक है, एक्सपीरियंस मिलेगा कि कैसे होते हैं। एवरी डे टेस्ट आर देयर, तो ये भी स्केड्यूल आपको मैं भेज दूंगी, आधे आधे घंटे का टेस्ट होता है बेटा, इसी PDF में जो मैं अभी आपको भेजूंगी उसी में आपको लगा हुआ मिल जाएगा, ये यू विल फाइंड इट अटैच्ड। एंड लकी विनर्स कैन विन iPads एंड वेरियस अदर नाइस योर प्राइजेस, ठीक है। 30 मिनट्स है यार, ज़्यादा कहाँ क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन में फिजिक्स का अगर 20 क्वेश्चन आपसे कोई 30 मिनट में करा रहा है, स्पीड देखो अपना, टाइमर लगाओ, और क्या पता उसके अंदर ये भी मिल जाए, कोई मुनाफा ही मुनाफा है, विन विन सिचुएशन, देयर इज नो लॉस इन इट, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन होंगे, सब कुछ होगा, सो यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स। कोड आप जानते हो बेटा, कोमल लाइव। 2 स्कॉलरशिप्स चल रहे हैं अभी, ठीक है, एक संडे टू संडे होता है, ये तो ऑलरेडी एवरी डे इट इज गोइंग ऑन, ठीक है। अच्छा, आइकॉनिक और प्लस के सब्सक्रिप्शन में मेन डिफरेंस, ये सारी चीज़ें आइकॉनिक में आपको बेटर मिलती है, पर्सनल गाइडेंस, स्टडी मटेरियल और सब कुछ, ठीक है। प्लस इज फॉर दिस, और आपके पास अमाउंट कितना आ जाएगा बेटा, डाउनलोड। प्लस पे 5 बजे से क्लासेस है मेरी, और स्पेशल पे मंडे वेंसडे फ्राइडे यू विल हैव एट 2 PM बोल रहे, वैसे 2:30 कर लो, 2:30 PM आई एम थिंकिंग ऑफ शिफ्टिंग इट अ लिटिल, ठीक है, या मैं आपको बता दूंगी जब भी क्लास होगी, जो भी होगी मैं आपको अपडेट कर दूंगी, ठीक है। चलिए, प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए कोड कोमल लाइव, बहुत ज़्यादा नहीं है, इट इज़ जस्ट व्हाट 2000 रुपीज़ पर मंथ, 24 महीने का अगर आप लेते हो तो, ठीक है, और 10% ऑफ लग के और सस्ता हो जाता है, तो इतना सब कुछ आपके पास है यार बेटा, प्लस 10% ऑफ के बाद, ठीक है। सो यू आर गेटिंग वेरी वेरी लेस अमाउंट पर मंथ, अगर आप देखते हो EMI के फॉर्म में कर दो ना, एक बार में क्यों पे करना है, जस्ट डिवाइडेड इनटू EMIs, कोमल लाइफ कोड लगा लिया, और कॉम्बैट होता है संडे टू संडे 11 बजे, एवरी संडे सुबह 11 बजे, ठीक है। 11 बजे पेपर होगा, और कुछ नहीं तो एक्सपीरियंस होगा, क्वेश्चंस होंगे, सॉल्व करोगे, थोड़ा कॉम्पिटिशन होगा, फील आएगा ना, तो उसमें क्या आया नहीं आया ठीक है, बट प्रैक्टिस के लिए भी तो पेपर देते हो, पूछते हो ना मैम प्रैक्टिस नहीं हो पा रही अच्छे से, क्या नहीं हो पा रहा, दो ना, इतने पेपर हो रहे हैं रोज कुछ ना कुछ हो रहा है, ठीक है। कोड कोमल लाइव, प्रोडिजी और कॉम्बैट दोनों का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जब आप डाउनलोड करोगे, जब इसमें क्लिक करोगे तो पूछेगा आपसे किसने बोला आने को, तो कोमल लाइव कोड लगा देना और आ जाना, फॉलो कर लेना उस पर, ताकि जहां पर भी मैं क्लास ले रही हूँ ऐप पे, चाहे वो पेड है चाहे वो फ्री है, वो आपको पता चल जाएगी, उसका आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये है बात, और कल मिलते हैं सुबह क्रैश कोर्स के लिए बायो क्लासिफिकेशन, ठीक है, कल भी हम माइंड मैप बनाएंगे, ठीक है। स्टे हैप्पी, स्टे हाइड्रेटेड, स्टे सेफ, लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड डाउनलोड करने के लिए PDF टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, अभी थोड़े टाइम बाद डिस्क्रिप्शन में भी ऐड हो जाएगी। आई विल सी यू इन क्लास, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिलीज, बाय बाय, गुड नाइट।